हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सब कैसे हो? गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ इस तरह का 3D इमेज क्रिएट लेके आया हूं। तो गाइस, इस तरह का न्यू स्टाइल वाला 3D इमेज हम आज क्रिएट करेंगे, जिसमें मक्का शरीफ के सामने लड़का खड़ा हुआ है, जिसके कुर्ते पे नाम लिखा हुआ उसका। इस तरह से आप भी अपने नाम का 3D इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने फोन के क्रोम में जाएंगे। गाइस, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्रोम पे सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइस, यहाँ पे हमने गूगल के सर्च बार पे बिंग इमेज क्रिएटर लिख देना है। गाइस, देखिए यहाँ पे बिंग इमेज क्रिएटर लिखा हुआ है, इस पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइस, देखिए यहाँ पे इमेज क्रिएटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वांट टू सी हाउ इमेज क्रिएटर वर्क्स लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने मक्का शरीफ का प्रोमोट कॉपी कर लेना है। गाइस, सबसे पहले जो भी न्यू यूजर्स होंगे यहाँ पे अपना जीमेल आईडी साइन इन कर लेंगे, इसके बाद ही उनका पिक जनरेट होगा। तो गाइस, देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है मुस्लिम बॉय फ्रंट इन मक्का रमजान मुबारक। तो गाइस, आप लोग भी यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो गाइस, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद वापस से जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि आलम लिखा हुआ है, यहाँ पे एज 21 ईयर है। तो गाइस, आप लोग अपना एज मॉडिफाई कर सकते हैं और नाम चेंज कर सकते हैं। गाइस, जैसे अपना नाम रख दिए, अपना फ्रेंड्स का नाम, किसी का भी नाम अपना रख सकते हैं। तो गाइस, इसके बाद हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। गाइस, क्लिक करने के बाद 2-4 सेकंड का प्रोसेसिंग लेगा, इसके बाद पिक जनरेट होके आ जाएगा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मक्का शरीफ के सामने रमजान मुबारक का 3D इमेज क्रिएट हो गया है, जिसमें लड़का खजूर लिए हुए खड़ा हुआ है। गाइस, देखें यहाँ पे आलम लिखा हुआ है। इस तरह से आप भी अपने नेम का 3D इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।